राजस्थान पंचायत चुनाव में कृषि कानून और किसानों से जुड़ा मुद्दा फेल हो गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने पंचायत समिति की 1836 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने 1718 सीटों पर कब्जा जमाया है। जिला परिषद की 636 सीटों में से 606 का चुनाव परिणाम भी सामने आ चुका है। बीजेपी को 336 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 250 सीटें गईं। इस बीच खबर है कि फतेहपुर शेखावाटी के बालौद बड़ी गांव में विवाद के बाद एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद कुछ झगड़ा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालात का जायजा लेने एसपी गगनदीप सिंगला भी बालौद गांव पहुंच गए हैं। इधर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच अशोक गहलोत सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद की पूर्व संध्या पर अशोक गहलोत सरकार ने अहम फैसला करते हुए प्रदेश में डार्क जोन में 2011 से ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। अब देश भर में किसान और आम लोग समेत 5 कैटेगरी में ट्यूबवेल के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में इस फैसले को लिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत को उनके अपने ही गढ़ में मात दी है, उसने बीजेपी के उभरते संगठन को भी दर्शा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।